दोस्तों अगर ये मछली समंदर में नहीं होती तो शायद कभी हम बीचेस देख ही नहीं पाते। इस मछली का नाम है पैरेट फिश और ये समंदर में मौजूद एल्गी को खाती है, जिसके साथ ये थोड़ी बहुत रेत भी खा लेती है और ये कोरल्स को भी खाती है। दरअसल इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कोरल्स में मौजूद एल्गी को डिफरेंट पार्ट्स में अपने पाउडर यानी के रेत बनाकर बाहर छोड़ देता है और इसी वजह से बीचेस बनते हैं। हर साल एक पैरेट फिश 200 किलो तक रेत बनाती है। तो ऐसी साइंस से जुड़ी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।